दोस्तों, क्या आप थ्री लेग फुटबॉल प्लेयर यानी तीन टांगों वाले फुटबॉल के खिलाड़ी को जानते हैं? नहीं ना, आइए जानते हैं। दुनिया में कभी कभी ऐसे अजूबे देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही अजूबा था इटली का रहने वाला एक इंसान। इस अनोखे इंसान का नाम था फ्रांसेस्को फ्रैंक लैंटिनी। इनका जन्म 18 मई 1889 को इटली के सिसिली द्वीप में हुआ था, जिसकी दो नहीं बल्कि तीन टांगे थी। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात तो है लेकिन बिल्कुल सच है। फ्रैंक जब 12 साल के थे तब उनकी मुलाकात विंसेंजो मैग्नेनो नामक शख्स से हुई, जो उस समय सर्कस के मालिक थे। उसने फ्रैंक को सर्कस में भर्ती होने का सुझाव दिया, जो फ्रैंक को अच्छा लगा। देखते ही देखते फ्रैंक सर्कस में दर्शकों की पहली पसंद बन गए और सर्कस से ही खूब पैसे कमाए। तीन टांग होने के बावजूद उनके पास गजब की फुर्ती थी। वो अपनी तीसरी टांग से फुटबॉल को किक मारा करते थे, जो लोगों को काफी पसंद आता था। फ्रैंक 77 साल तक जिंदा थे। विशेष तौर पर उनके शो का नाम रखा गया था थ्री लेग्स फुटबॉल प्लेयर, यानी तीन टांगों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी। तो कैसी रही है जानकारी, देखते रहिए।